हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइटेरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में आपके लिए न्यूमेरिकल उपलब्ध करवाए थे, कैसे लिखे आप लोगों को, आपने सोल्व किए उनको बिना देखे, आंसर भी मैच किए होंगे, परफॉर्मेंस कैसी रही आपकी ये हमें आप बताते रहें कमेंट बॉक्स में। ठीक, हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में लिमिटिंग रिएजेंट की। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा समझा था कि मोल से हम कैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगर प्रोडक्ट हमें दिया है तो रिएक्टेंट का कैसे पता लगाते हैं, अगर रिएक्टेंट हमें दिया है तो प्रोडक्ट कितनी मात्रा में बनेगा, ये सब हम लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम समझ रहे थे। ठीक है, तो हमारी बात चल रही थी केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक के ऊपर। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ लिया था कि के इक्विवेलेंट क्या होता, सॉरी के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के इक्यू क्या होता है। के इक्यू जो था उसके हमने दो तीन फॉर्म पढ़ी थी, के एक्स और के सी और के पी। हमने पढ़ा था कि के सी क्या होता है, के सी और के पी क्या होता है। हमने एक स्टैंडर्ड आपके लिए रिएक्शन लिखी थी, इसको टू एन एस री। ठीक है, किसी को कोई डाउट था इसमें, अगर किसी को कोई डाउट था तो वो अपने बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो के सी ये क्या थी, कंसेंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक रेशो क्या है, दो। ये किसकी, रिएक्टेंट की, इसका वन, और ये एच टू, इसकी थ्री। के पी की हम बात करते हैं, के पी जो था वो क्या था, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन एस थ्री स्क्वायर। ये क्या था, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू पावर वन, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू पावर थ्री। समझ गए, इसकी यूनिट, यूनिट जो थी वो केसी की क्या थी, मोल लीटर इनवर्स, और ये पावर में डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी वो किससे मिलेगा, रिएक्शन से। इसका डेल्टा एन जी कितना है, इस रिएक्शन का दो माइनस तीन प्लस एक, कितना होता है, मैथ बहुत बड़ी मैथ है, ये हो जाएगी आपसे माइनस दो, माइनस दो। इसका डेल्टा एनजी कितना, माइनस दो। इसकी यूनिट क्या थी, केपी की यूनिट जो थी वो क्या थी, केपी की यूनिट जो थी वो एटीएम, एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। इस रिएक्शन के लिए जो है वो हमने इसकी यूनिट पता लगा ली थी। एक सवाल लिखो, एक सवाल लिखो कि ठीक है ये हमने पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना क्या है नेक्स्ट, जो है अब वो रहेगा हमारा मेन फोकस, जो है कॉन्सेप्ट आपको जो समझ में आ गया, क्वेश्चन जो है एच टू प्लस आई टू इजकल्स टू टू एच आई, आपको लिखनी है यूनिट ऑफ के सी। ठीक है, यूनिट ऑफ केसी, पहली रिएक्शन ये है, इसके लिए केसी की यूनिट लिखो। दूसरी रिएक्शन जो है वो है ठीक है ठीक है, चौथी रिएक्शन, इन सभी के लिए क्या लिखना है आपको, केसी निकालना है, केसी की यूनिट लिखनी है। कैसे लिखोगी आपको पता ही है, ठीक है चार लिखो पहले, चलो एक और लिख देता हूं, ठीक है और लिखो, करते जाएं साथ साथ करते जाएं, मैं लिख दूंगा जैसे जैसे मुझे याद आएगी। SO2 plus O2 equals to 2SO3, ठीक, इनके लिए लिखो, लिखो भाई। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले काम क्या है आपका, डेल्टा एनजी निकालना।
डेल्टा एनजी, अगर किसी को डेल्टा एनजी नहीं पता तो मैं बता देता हूं, सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, स्टोइकोमेट्रिक ऑफ प्रोडक्ट, जैसे एक रिएक्शन लिख के बता देता हूं, ए प्लस एन वन ए एम वन ए प्लस एम टू बी जो है वो रिएक्शन हो जाती है एन वन सी प्लस एन टू डी, ठीक है, ये रिएक्शन है। इसके लिए मैं अगर डेल्टा एन जी निकालना चाहूं, एन एन जी, जी मैं किस लिए ले रहा हूं, गैस के लिए ले रहा हूं, ठीक है, डेल्टा एन जी जो है वो गैस के लिए यूज कर रहा हूं, तो जो डेल्टा एन जी आएगा वो क्या आएगा, एन वन प्लस एन टू माइनस जो है वो एम वन प्लस एम टू, ठीक है, ये क्या इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इस रिएक्शन के लिए अब डेल्टा एन जी बताओ, दो, इसका क्या है एन वन प्लस एन टू दो, माइनस इसका वन प्लस वन दो, डेल्टा एन जी जीरो, ठीक है, इसका डेल्टा एन जी कितना आ गया, जीरो आ गया ना, अरे भाई आ गया जीरो, तो चल क्यों नहीं रहा है, क्या दिक्कत है, इसका डेल्टा एन जी जीरो, इस रिएक्शन का निकालो डेल्टा एन जी दो माइनस एक, दो माइनस एक बराबर एक, इस रिएक्शन का निकालो डेल्टा एन जी दो माइनस एक बराबर एक, है ना, इसका निकालो दो माइनस दो बराबर जीरो, इस रिएक्शन का निकालो एक माइनस दो बराबर माइनस एक, है ना, यही होगा, है ना, तो किस किस का ये निकला है, अगर इस रिएक्शन का आपने ये निकाला है तो ये क्या है, गलत है, क्यों भाई, क्योंकि ये सॉलिड होता है और ये भी सॉलिड होता है और ये गैस होता है, डेल्टा एन जी निकालना था, एन जी मतलब गैसियस प्रोडक्ट लेना था, गैसियस प्रोडक्ट लेना था जो जिसका एग्जिस्टेंस किस में है, गैस में है, सिर्फ और सिर्फ गैस में, गैस वाला प्रोडक्ट क्या है, सिर्फ CO2, CO2 तो वन माइनस वन माइनस, इधर क्या है सॉलिड तो जीरो, तो इसका डेल्टा एन जी एक आएगा। वैसे आप आ तो सही रहा था, दो माइनस एक, एक सही आ रहा था, वो तुक्के से आ रहा था ना, वो कॉन्सेप्ट गलत था ना, आ तो सही रहा था, सवाल भी सही हो जाता आपका, आप लकी थे, सवाल तो लकी था, थोड़ी सी गलती हो भी जाती तो भी चल जाता, दो माइनस दो ये क्या, सारी गैसेस प्रोडक्ट ऐसे, डेल्टा एन जी जीरो। अब यूनिट ऑफ केसी, केसी की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ केसी जो है वो होती है मोल लीटर इनवर्स डेल्टा एन जी, इसमें रख दो मोल लीटर इनवर्स में जीरो रखोगे तो इसकी क्या आएगी, एक, मान लो इसकी कोई केसी की जो है वो यूनिट रहित होगा, इकाई रहित होगा, उसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, इसकी एक, इसकी एक आएगी तो मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, एक रखेंगे डेल्टा एन जी की जगह एक रखेंगे तो मोल लीटर इनवर्स, सी ओ प्लस सी ओ टू इसकी जगह एक रखेंगे तो इसकी भी मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, इसकी जीरो तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, एसओ थ्री इसकी माइनस वन, माइनस वन तो मोल इनवर्स लीटर प्लस, ठीक है, ये इसकी यूनिट रिवर्स हो जाएगा ना, इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका माइनस वन यहां रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस लीटर प्लस में आ जाएगा, मोल वन माइनस माइनस, ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ऐसे ही हम केपी की भी यूनिट निकाल सकते हैं भाई, है ना, केपी की भी निकाल सकते हैं, एटीएम की पावर डेल्टा एनजी लिख सकते हो ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए जब आप कर ही सकते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, केसी और केपी आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, केसी और केपी, सॉरी सॉरी, केसी और के, सॉरी यार, चलिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, स्टैंडर्ड रिएक्शन है,
m1 प्लस ए m2 बी इक्विलिब्रियम n1 सी प्लस n2 डी। सारे गैसेस प्रोडक्ट है, सारे गैसेस आप कैसी भी लिख दोगे, कैसी जो है सी की पावर n1 डी की पावर n2 ए की पावर m1 बी की पावर m2 एंड केपी जो है पी ऑफ सी पावर n1 पी ऑफ डी पावर n2 पी ऑफ ए पावर m1 पी ऑफ बी पावर m2 केसी और केपी लिख दिया। ठीक है, अगर बात मैं करूं एसटीपी पर आइडियल गैस की, बात मैं करूं आइडियल गैस की तो वो क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होती है, पी इक्वल्स टू एन बाई वी, एन बाई वी, एन क्या होता है मोल, नंबर ऑफ मोल्स, वी क्या होता है वॉल्यूम, ठीक है वॉल्यूम, आर क्या होता है रिडबर्ग कांस्टेंट 0.0821 और टी टेम्परेचर, तो आर टी, ठीक है ये क्या बन गई एन बाई वी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर क्या बनता है कंसेंट्रेशन, समझ में आया, तो पी इक्वल्स टू सी या फिर ब्रैकेट लिख सकते हैं एक्टिव मास जिसको हम बोलते हैं आर और टी। ठीक, केपी में इसकी वैल्यू रख दो, पी पी क्या है पार्शियल प्रेशर ही तो है गैस का प्रेशर, इसको मैं अगर ए का मानूंगा तो यहां पे कंसेंट्रेशन किसकी लिख दूंगा ए की और आर टी, आर और टी क्या है कॉन्स्टेंट, टी कॉन्स्टेंट क्यों है क्योंकि रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो क्या है सेम है जिसपे हम करवा रहे हैं रिएक्शन, आर क्या है एक नियतांक होता ही है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू कितनी होती है 0.0821 किसमें एटीएम लीटर, एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है ये क्या होती है इसकी यूनिट होती है। अब देखो रिएक्शन में कैसे रखते हैं इसमें सॉरी फॉर्मूले में, तो केपी वाले में रखो, केपी वाले में रखो कैसे रखोगे, केपी इक्वल्स टू पी की जगह कंसेंट्रेशन ऑफ ए आर टी पावर एन वन, पावर एन वन और ये आर टी की पावर मैं अलग से लगा देता हूं एन वन, ठीक पी सॉरी सी 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 की कंसेंट्रेशन आएगी भाई यहां पे, डी डी की पावर एन टू, ठीक आर टी सेम एन टू, ए की पावर एम वन आर टी इसमें भी होगा एम वन, बी की कंसेंट्रेशन पावर एम टू आर टी इसमें भी होगा कितना आएगा एम टू, ठीक क्या दिख रहा है बोलो, इसको मैं इधर ले लेता हूं के पी इक्वल्स टू सी की पावर एन वन डी की पावर एन टू ए की पावर एम वन बी की पावर एम टू एम टू आर टी एन वन प्लस एन टू आर टी एम वन प्लस एम टू, दिख रहा है क्या इधर आपको एम वन प्लस एम टू, ठीक है इसकी पावर एक मिनट दिख रहा है क्या आपको, हाँ ठीक है आ रहा है भाई कवर में आ रहा है, केपी इज़ इक्वल्स टू सी की पावर एन वन, यहां से इसको मैंने सीधा लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को इस स्टेप में, कोई दिक्कत नहीं, एन वन इसको क्या बोलते हैं हम ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला है केसी का फॉर्मूला है, ये केसी का फॉर्मूला है केसी का, और हाँ सुनो एक बात तुम लोग अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो जानते हो नहीं भी हो तो भी जान जाओगे कि देखो यहां पे क्या है आर टी एन वन आर टी की पावर एन टू, जिसका बेस सेम होता है जिसका आधार सेम होता है, आधार क्या इसमें आर टी बेस, बेस
आर टी सेम है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है, जुड़ जाती है। तो इसका बेस एम वन प्लस एम टू, ये पावर क्या है, जुड़ गई बेस में, और एन वन और एन टू क्या है, पावर जुड़ गई बेस में आर टी में, ठीक है। तो ये क्या है, के पी इज़ टू के सी, और ये क्या है, आर टी एन वन प्लस एन टू अपॉन आर टी एम वन प्लस एम टू, तो के सी। अब आर टी एन वन प्लस एन टू, ये वाला जो आर टी है वो मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, आर टी एन वन प्लस एन टू आर टी माइनस एम वन प्लस एम टू, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि नीचे वाला जो आर टी है वो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस इनके क्या है, बेस क्या है, सेम है, आरटी आरटी बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएगी, पावर जुड़ जाएगी, जुड़ेगी तो के सी आर टी पावर जुड़ गई एन वन प्लस एन टू माइनस एम वन प्लस एम टू। समझ में आया क्या भाई, समझ में आया क्या रिएक्शन में? कैसी आरटी की पावर, अरे आरटी की पावर एन वन प्लस एन टू माइनस एम वन प्लस एम टू, कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या, कुछ याद आ रहा है इससे, कुछ याद आ रहा है इससे? ये होता है डेल्टा एन, डेल्टा एन वो भी केसीएस के लिए। ये क्या है, केपी, ये है रिलेशन केपी और केसी में, KP is equal to KC की पावर, KC RT की पावर डेल्टा एन जी, ये जो रिलेशन है ये होता है इसमें, सही बात है। आपको KP दे देगा, KC पूछ लेगा, RT दे देगा, RT की वैल्यू आपको पता ही है, थ्री इसको बोल देगा STP पे पता करो, तो आप STP पे जितना टेम्परेचर रहता है उतना लिख के R की वैल्यू लगा के डेल्टा एन आपको रिएक्शन में से मिल ही जाएगा, रिएक्शन कौन सी है उससे आप KP पता कर सकते हो या फिर KC पता कर सकते हो, ठीक ठीक है भाई। चैप्टर समझ में आ रहा है, सही चल रहा है सब कुछ, सब कुछ सही चल रहा है क्या, बोरिंग तो नहीं हो रहा? नहीं सर, बोरिंग कहाँ है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, चैप्टर समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा हमारा, और क्या चाहिए हमें, सही है ना, सिलेक्शन ही तो चाहिए अल्टीमेटली, हमें क्या करना है, हम यहाँ आए किस लिए, सिलेक्शन के लिए तो आए हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ एकमात्र है कि हमें सिलेक्शन लेके जाना है। इसमें देखो KP इज इक्वल टू KC की पावर RT डेल्टा NG, 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 KP अलग हो सकता है रिएक्शन के लिए, KC भी अलग हो सकता है हर रिएक्शन के लिए, होता ही है जनरली, और डेल्टा NG भी अलग हो सकता है, ठीक। इसके लिए हम तीन केस स्टडी करेंगे, केस नंबर वन, केस नंबर वन, जब डेल्टा NG जो है वो बराबर हो जीरो के, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डेल्टा एन जी जो है वो जीरो के बराबर हो, जीरो कौन सी रिएक्शन होगी वो, जैसे एन टू प्लस ओ टू क्या बनेगा, टू एन ओ, इसमें डेल्टा एन जी कितना है, दो माइनस दो, दो माइनस दो, डेल्टा एन जी जीरो। एक रिएक्शन और है, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल दूसरा रिएक्शन में ले लेते, एच टू प्लस आई टू, ये भी क्या है, ऐसी ही रिएक्शन है, इसमें एक डेल्टा एन जी क्या है, जीरो, डेल्टा एन, डेल्टा एन जी इसका कितना है, जीरो। जब डेल्टा एन जी जीरो हो गया इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन के लिए केपी जो मैं लिखूंगा वो केसी आरटी की पावर, बेटा बताओ कितनी लिखूंगा, जीरो। और जिसकी पावर जीरो होती है, मैथ वालों को ये पता है कि उसको हम बोल देते हैं एक, तो ये वैल्यू जो है ये कितनी हो जाएगी, एक। तो KP इज इक्वल टू KC इनटू गुणा एक, तो KP बराबर KC, ये हो जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कौन सी रिएक्शन के लिए, चार रिएक्शन आपको दे देगा ऑप्शन में, बोलेगा कौन सी रिएक्शन के लिए KP और KC बराबर है, या फिर
क्या बोलेगा, किस कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें केसी और केपी की यूनिट बराबर होती है। यूनिट यूनिट कैसे बराबर होगी भाई, यूनिट तो तभी बराबर हो सकती है ना जब दोनों के वैल्यू क्या, दोनों जो है वो बराबर हो, समझ रहे हैं। तो यूनिट आपको लगेगा कि पी केपी की तो यूनिट यार एटीएम में होती है और जो केसी की यूनिट जो है वो कंसेंट्रेशन सांद्रता मोल लीटर इनवर्स में होती है, तो दोनों के बराबर कैसे हो सकती है, दोनों की बराबर तो नहीं होनी चाहिए यूनिट। सवाल ही गलत है, सवाल गलत नहीं है। तो इसमें ऐसा देखो ना, यूनिट जो है वो एक ही शर्त पे बराबर हो सकती है जब कोई यूनिट ही ना हो दोनों की यूनिट ही ना हो। और यूनिट कब नहीं होगी, जब केपी और केसी ऐसे बराबर होंगे जिसकी डेल्टा, जिस रिएक्शन का डेल्टा एनर्जी जीरो होगा, समझ गए। ऐसे केस नंबर एक, केस नंबर दो लिखो भाई। केस नंबर दो, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो, यानी जीरो से बड़ी हो, तो कैसे होगी। एग्जांपल PCl5 PCl3 प्लस Cl2, कैसे, दो माइनस एक एक, ठीक है डेल्टा एन जी की वैल्यू। एग्जांपल दूसरा ये अपनी सदा वाली रिएक्शन, सदा बाहर, चार माइनस दो बराबर दो, डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी, दो, समझ गए। तो इसके लिए क्या होगा वैल्यू बोलो, केपी जो होगा केसी से की पावर आर टी की पावर डेल्टा एन, एन इसके लिए मैं एक रखूंगा और नीचे वाली रिएक्शन के लिए पावर में दो रखूंगा, ठीक। तो ये बताओ मुझे, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो बड़ा कौन सा होगा, केपी बड़ा होगा या केसी बड़ा होगा। केपी इज ग्रेटर देन केसी, अच्छा सॉरी पहली वाली रिएक्शन में हमने लिख दिया ना केपी बराबर केसी, इसमें लिख लेना स्टार मार्क करके केपी इज ग्रेटर देन केसी, ये होगा केपी जो है वो बड़ा होगा केसी से, और इसमें यूनिट जो है वो दोनों की क्या आएगी, अलग अलग। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, समझ में आ रहा है सभी को, सिंपल मैथ है, कोई बड़ी बात है नहीं है। केस नंबर थ्री, तो डेल्टा एन जी जो है वो छोटा हो जीरो से, कौन सी रिएक्शन में हो सकता है ऐसा, उन्हीं रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया सर जी आप तो है, तो भाई मैं क्या करूं, रिवर्सिबल रिएक्शन है कॉन्सेप्ट, किसी को भी मैं प्रोडक्ट मान सकता हूं, किसी को भी मैं रिएक्टेंट मान सकता हूं, इसको मैं रिएक्टेंट मानूं तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको मैं रिएक्टेंट मानूं तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, भाई रिवर्सिबल रिएक्शन है, मेरी मर्जी है जो मानूं। सर मैं भी मान सकता हूं क्या, हाँ भाई तू क्यों नहीं मान सकता, बिल्कुल मान सकता है, एक माइनस दो माइनस एक, तेरे लिए भी तो यही शर्तें लागू होती है ना, ये एन टू प्लस थ्री एच टू इसकोस टू टू एन एस थ्री अमोनिया दो माइनस चार बराबर माइनस दो, तो ये वही। तो इसके लिए क्या होगा, केपी केसी आर टी, इस रिएक्शन के लिए मैं लिखूं ऊपर वाली के लिए तो माइनस वन, तो केसी के नीचे जो है वो, अगर इसको मैं पावर को पॉजिटिव बनाना चाहूं तो आर टी जो है वो नीचे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा केपी की वैल्यू। अब बताओ इसमें से बड़ा कौन दिख रहा है तुम्हें, केपी या केसी, केपी या केसी, केसी इज ग्रेटर देन केपी, ये नोट करो, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। सर ये तो बिल्कुल ही सिंपल सिंपल है, बहुत हम सिंपल ही करवाते हैं बेटा जी, आपको समझ में आ जाए, आपके सवाल हो जाए, बस हमें क्या करना है, पीएचडी वगैरह तो यहाँ हम करवाएंगे नहीं क्योंकि ज्यादा हाई लेवल का हम पढ़ाएंगे नहीं, वो तो आपको कहाँ पढ़ना है, कॉलेज में जाके अच्छे से मस्ती से। केस नंबर चार, ये जो है थोड़ा स्पेशल केस है, स्पेशल कैसे है,
अगर टी जो है उसकी वैल्यू हम, टी भी तो चेंजेबल है ना भाई, टी भी तो हम जनरली हम नेताक मानते हैं क्योंकि किसी भी सिचुएशन में जो रिएक्शन दी गई है उसके लिए, लेकिन इसको हम चेंज तो कर ही सकते हैं। तो टी की वैल्यू जो है वो मैं मान लू 1/r के बराबर, 1/r के बराबर मान लू तो क्या होगा, तो केपी केसी आर इंटू टी की वैल्यू कितनी, 1/r और डेल्टा एन जी, आर से आर कैंसल, तो केपी केसी इंटू वन और डेल्टा एन जी। अब रिएक्शन चाहे कोई सी हो, रिएक्शन चाहे कोई सी हो, डेल्टा एन जी चाहे जीरो हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन आपको ऊपर वाले तीन केसेस में कोई सी हो, वन की पावर कोई भी वन होता है, वन की पावर कोई भी वन होता है। केपी इज इक्वल टू केसी यहां जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी यहां जाएगा। अच्छा आपको ये भी दे सकता है, आर की वैल्यू कितनी होती है, 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, है ना, ये होती है ना। तो टेम्परेचर जो होगा वो 1.0821 आएगा केल्विन में, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 12.14 के लिए, ये होती है टेम्परेचर की वैल्यू। ठीक है, ये याद रखना, ये केपी इक्वल्स टू केसी ये भी याद रखेंगे आप, और याद नहीं रखेंगे, कॉन्सेप्चुअल है, आपको पता होना चाहिए कि हम यहां तक कैसे पहुंचे हैं, किसी ने अगर हमें सवाल दिया है तो वो किस बेसिस पे दिया है और क्यों दिया है और कहां से हमें उसकी शुरुआत करनी चाहिए, अप्रोच मालूम होनी चाहिए सवाल की। तो केपी इक्वल्स टू केसी, ठीक है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ के। के को हम किस काम में ले सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ के, के को हम किस काम में ले सकते हैं वो हमें जानना है यहां पे। तो हम किस काम में ले सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये हम पता लगा सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट कैसे पता लगा सकते हैं। के जो होता है वो क्या होता है, जनरली यही तो होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही तो होता है भाई के, यही तो होता है ना के इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कैसे, जब मान लो मैं बोलूं साम्य के ऊपर, साम्य पर सांद्रता क्या होती है, नियत होती है साम्य पर, है ना, पता ही है हमें नियत होती है, लेकिन दोनों की बराबर हो जरूरी नहीं है, दोनों की बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी, यही होती है समय पर रिएक्शन, अगर रिएक्शन इधर जा रही है, इधर जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, इसका मतलब क्या है, पी बढ़ रहा है, फॉरवर्ड जा रही है मतलब पी बढ़ रहा है, पी की मात्रा बढ़ेगी, तो रिएक्शन इधर जाएगी यानी उत्पाद की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, अब रिएक्शन वापस आएगी तो रिएक्टेंट की मात्रा जो है वो बढ़ेगी, जब ये बढ़ेगी तो के जो है वो ये है, प्रोडक्ट बढ़ा यानी अल्टीमेटली क्या है, के की वैल्यू बढ़ी, के की वैल्यू इंक्रीज हुई, पी की मात्रा बढ़ेगी तब के की वैल्यू भी, मात्रा भी इंक्रीज होगी। तो हम क्या पता लगाए, अगर हमें के की वैल्यू ज्यादा दी गई है, अगर सवाल में हमें के की वैल्यू ज्यादा दी गई है तो उस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनने वाली चीज जो होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है, ज्यादा बनने वाली चीज क्या होती है, स्टेबल होती है। स्टेबिलिटी के लिए हम दो क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, या तो देखो कोई चीज है, कोई चीज है वो ज्यादा बन रही है, ज्यादा बन रही है, ज्यादा बन रही है मतलब जिस दिशा में जा रही है वो अपने आप को स्थायी रखना चाहती है, स्टेबल रखना चाहती है। हम जिंदगी में मतलब सॉरी कहीं भी जो भी मॉलिक्यूल है
कोई भी है वो, और कोई भी आदमी चाहे किसी इंसान से आप रिलेटेड करो, वो क्या होना चाहता है? स्थाई होना चाहता है। स्थाई, स्थाई के लिए हम भाग दौड़ करते हैं दिन भर। तो वैसे ही जो भी मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एटम यहाँ पे है, जो भी रिएक्शन होगी वो किसको प्राप्त करना चाहेगी? स्थायित्व को। स्थायित्व में एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी होती है, बस एक जगह आराम से बैठे रहो, शांति से, वो होता है स्थायित्व। ठीक है, अगर कोई स्थायित्व की तरफ जाना चाहेगा, स्थायित्व की तरफ जाना चाहेगा, तो वो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा बनेगी। तो अगर के का फॉर्मूला ये होता है P/R, तो P जब ज्यादा होगा तो K भी ज्यादा होगा, समझ गए? प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो ये स्थाई। अब स्थायित्व K ज्यादा बढ़ा तो अल्टीमेटली हमें पता लग गया ना कि प्रोडक्ट का स्थायित्व जो है वो ज्यादा है। या फिर दूसरा चीज है, ज्यादा ना बनके वो कम टूटे, कम टूटे। जैसे रिएक्शन है ये है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो मान लो अगर रिएक्शन को हमें चलाना है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड चल नहीं रही है, आगे चलाना है लेकिन आगे चल नहीं रही है, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा स्थाई है किससे? प्रोडक्ट से। रिएक्टेंट जब ज्यादा स्थाई हो जाएगा तो प्रोडक्ट के आगे नहीं चलेगा ये, सॉरी, रिएक्शन जो है वो अग्र अभिक्रिया में, अग्र दिशा में नहीं चलेगी। ठीक है, तो रिएक्ट स्थायित्व की दो चीजें होंगी ना, या तो वो चीज ज्यादा बने या फिर वो चीज कम टूटे, ये स्थायित्व के दो क्राइटेरिया हुए। ये वाली अगर कम टूटी तो आर ज्यादा स्थायित्व है। अगर मान लो ये है, अगर आर ज्यादा स्थायित्व है तो आर की सांद्रता बढ़ेगी, आर की सांद्रता बढ़ेगी, नीचे वाली चीज की सांद्रता बढ़ेगी तो के जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब किसी रिएक्शन में के की वैल्यू कम दी गई हो तो समझ जाना भैया यहां पे जो है वो रिएक्टेंट का स्थायित्व ज्यादा है, रिएक्शन बैकवर्ड दिशा में आना चाहती है, फॉरवर्ड दिशा में नहीं जाना चाहती। समझ जाना कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। 2XO ये क्या है? X कोई भी रैंडम मैंने ले लिया ऐसी, ठीक है, 2XO। O क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये क्या है? एक ऑक्साइड है, ठीक है। X कोई XY मतलब कोई भी रैंडम मेटल मैंने ले लिया, तो उसका क्या है? ऑक्साइड है। 2XO ये टूट रहा है, X2 गैस प्लस O2 गैस में, ठीक। अरे X2 प्लस O2 ये कोई भी गैस का ऑक्साइड है, ठीक है, किसी भी का भी मान लो। ये क्या है? सारे गैसियस प्रोडक्ट है, XO2। ये है ना, इसका K कितना दे रखा भाई? 1 × K1 जो है वो 1 × 10^24, और K2 जो है वो 1 × 2.5 × 10^10, ठीक है, 10^10 ये दे रखा है आपको K1 और K2। कौन सी रिएक्शन के लिए? इन दोनों रिएक्शंस के लिए। तो हमें पता क्या लगाना है कि कौन सा ऑक्साइड जो है वो मोर स्टेबल है। XO जो है वो एक ऑक्साइड है और XO2 जो है वो भी एक ऑक्साइड है। तो हमें पता ये लगाना है कि इन दोनों जो रिएक्टेंट है इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, किसकी वैल्यू के आधार पर? K1 और K2 की वैल्यू के आधार पर। आप पता लगा सकते हैं क्या है? आप अपने मन में आंसर सोचिए अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, फिर हम बात करते हैं इसकी कि कैसे होगा। आप सोच रहे हैं क्या? सर आप हमारी सोच तक नहीं पहुंच सकते, हम बहुत बड़ा सोचते हैं। अरे भाई बड़ा ही सोच ना, हमेशा बड़ा ही सोचना ताकि बड़ी चीजें आपकी हो जाएं, बड़ी बड़ी चीजें कामयाबी। ठीक है सर, आप बोर कर रहे हो, मत मारा करो ये गंदे गंदे जोक। तो हम बात कर रहे थे ऑक्साइड की, K1 की वैल्यू कितनी है? ये जो रिएक्शन है इसकी वैल्यू K1 की वैल्यू है 10^24, ये 10। अब इस वैल्यू से आपको क्या लग रहा है?
कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है K1 की, ये वाली वैल्यू ज्यादा है यानी K ज्यादा है, K1 ज्यादा है, K1 ज्यादा है, K1 ज्यादा है, K1 ज्यादा है, इसका मतलब K1 वाली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। K1 वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा है, X2+O2, ये है, ये क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, ये सर ये ज्यादा बनेगा, मुझे पता लग गया K1 वाली वैल्यू से, X2+O2 ज्यादा बनेगा, X2+O2 ज्यादा बनेगा, तो भाई ये ज्यादा कब बनेगा, जब ये ज्यादा टूटेगा, जब ये ज्यादा टूटेगा, जब ये ज्यादा टूटेगा, ब्रेक ब्रेक डाउन, जब इसका ये, जब ये ज्यादा टूटेगा, ज्यादा टूटेगा, ज्यादा टूटेगा तो टूटने वाले का स्थायित्व कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी अपने आप कम होगी, वो ज्यादा टूट रहा है, ज्यादा टूट रहा है मतलब ये इस अवस्था में रहना नहीं चाहता, ये टूटना चाहता है X2 और O2 में, मतलब ये इस अवस्था में रहना नहीं चाहता। इसमें देख लो इसका K2 जो है इसके कंपेरिजन में क्या है, कम है, कम है ना, इसके कंपैरिजन में कम है, कम है मतलब इसके जो प्रोडक्ट है उसकी स्थायित्व जो क्या है, कम है, के इसका कम है, तो ये वाले प्रोडक्ट कम बने होंगे, कम कब बने होंगे, जब ये कम टूटा होगा, जब ये कम टूटा होगा, समझ गए मेरी बात, जब ये कम टूटेगा मतलब ये इसी अवस्था में रहना चाहता है, कौन सी में, X-O2 में, इसी ऑक्साइड में बना रहना चाहता है, ये इसकी स्थायित्व की अवस्था है, ये इसी में बना रहना चाहता है, तो X-O2 जो है वो मोर स्टेबल है XO से, दिस इज द आंसर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऐसे आप पता लगाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात, समझ गए भैया, हाँ जी हेलो, समझ में आ गया था, ये आपको स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिख रहे हैं बोर्ड पे, ये स्टेबिलिटी के लिए, और ये जो है वो अलग टाइप का थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसमें क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, आपको केवल के जो होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको ये सवाल बनाना है कि which of the following reaction product is more stable, option tick करना है आपको कि more stable जो है वो कौन सा product होगा इनमें से, NH3 होगा या NO होगा या HI होगा या फिर XeO2F2 होगा, ठीक है, ये आपको पता करना है, प्लस इसका order भी लिखना है कि सबसे ज्यादा stable कौन होगा, फिर तीसरे नंबर पे कौन होगा, दूसरे पे कौन होगा, फिर तीसरे पे कौन होगा और चौथे पे कौन होगा लास्ट में, ठीक है, ये वाला भी बताना आपको। For the reaction SO2Cl2 gives SO2 plus Cl2 equilibrium, what is the temperature at the which Kp upon Kc की value 3, Kp upon Kc की value जब 3 होती है तो इस reaction का temperature कितना होगा, अगर मान लो Kp और Kc हमें पहले से ही पता है और इसका जो ratio है वो क्या है 3 है, ठीक है, तो हमें इस reaction का temperature पता करना है कि ये जो reaction चल रही है वो कौन से ताप पे चल रही है, कितने degree Celsius या फिर Kelvin में हो रही है, ठीक है, तो आप चलिए, बहुत अच्छी आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी मुझे लगता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है इन सब सवालों के, आसान से सवाल है ये तो, और ये भी थोड़ा सा आसान है, आप करके देखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपको जरूर आएगा, फॉर्मूला लिखेंगे क्या होता है सब कुछ, बताऊंगा नहीं अगली वीडियो में बताऊंगा इनके सबके, इन दोनों के आंसर, और तब तक आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट जरूर करके अपने अपने आंसर जरूर बताएंगे, जरूर याद करके बताएंगे, ठीक है, भूलना नहीं, अगर सीरियसली आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, तो हमारी YouTube छोटी सी रिक्वेस्ट है।